इतनी शानदार गाड़ी होते हुए क्लियोपेट्रा फुटपाथ पर चल रही? मेरा नाम क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई बात नहीं जूलियट, हम कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़ देते हैं। शुक्रिया। इनकार के लिए या इकरार के लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। बदतमीजी नहीं, पोइट्री पसंद है। वैसे मेरी आपने नहीं है, लेकिन अर्ज किया है। रात भर मैं सोचता रहा चुपचाप, चली गई चुपचाप। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉय। अरे कम से कम दोस्त के हाथों मरने से शहीदों में तो नाम होगा। शहीद होने से पहले ये तो बताते जाइए कि आप हैं। अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है किशन, ये तो है ही। एक उल्टे हाथ का रसीद करूंगा, आगे कुछ बोला तो। हाँ बाबा आगे कुछ मत बोलो, जब बेचारा मान ही रहा कि ये है तो फिर इसे मजबूर क्यों करते हो? हाय हाय, मगर हमको भी तो मालूम पड़े कि हम क्या है। वही है अपनी डंपो के। किशन तुम हमेशा मेरे प्यार का मजाक उड़ाते हो यार। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे प्यार की इतनी बदनामी। धरती माँ तू फट जा ताकि मैं किताबों समेत तुझ में समा जाऊं। कम से कम इम्तिहान में तो नहीं बैठना पड़ेगा। नहीं 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 ऐसा मत होने देना, ऐसा मत करना यार। कहीं ऐसा हो गया ना तो डंपो बेचारी शादी से पहले विधवा हो जाएगी। हाँ क्या यार किशन, तुम भी कमाल करते हो। क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो विधवा नहीं होगी? अच्छा ये डंपो की बात छोड़ो यार, ये बताओ हमारी ये नई गाड़ी कैसी लगी? हाँ डैडी ने आज ही प्रेजेंट दी। क्या बात है, क्या कलर है, क्या कवर है, लटकती मटकती। लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट। मैडम आप गुड मॉर्निंग। कॉलेज में तो छोकरा लोग यही मस्ती करता है, हम पूछता है। मैडम आप पूछता है कि पूछती है? यही है तुम्हारा स्टडीज, कॉलेज में कुछ डिसिप्लिन होना मांगता है। शेम ऑन यू पीपल, हम बोलता है गो टू योर क्लासेस इमीडिएटली। लेडीज फर्स्ट, आई मीन पहले आप जाइए बाद में हम आएगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। अरे धमका दी आपने यार को मिसेस जेम्स, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा ये तो बताइए मिसेस जेम्स का फर्स्ट लेक्चर कहाँ है? अरे वो जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, मिसेस जेम्स का पहला लेक्चर वही है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। क्योंकि आप लोगों का कॉलेज में पहला दिन है इसलिए मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आप लोगों को सब कुछ साफ साफ बता दूं, और वो भी आप लोगों के फायदे के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों का प्रोफेसर नहीं हूं। जी जी हाँ, आपके प्रोफेसर हैं पतली सी खूबसूरत सी नाजुक सी मिसेस जेम्स। अरे आप लोग उनके गुस्से पर मत जाइए, उनका दिल बिल्कुल एक अखरोट की तरह है, बाहर से कड़क है अंदर से नरम है। और इत्तफाक की बात तो यह है कि आज उनका जन्मदिन है। अगर आप उनकी नजरें इनायत चाहती हैं तो आज जैसे ही वो क्लास में आए तो उनका स्वागत फूलों से करें। अर्दली 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 फूल बांटो। यस सर। मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल। हैप्पी बर्थडे मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल। ओके गर्ल्स हम चलते हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बाय बाय। Good morning, Mrs. James. Who is this? This is this. You will come to know later, Miss. Shut up, fool. Good morning, Miss. Good morning. Sit down, sit down, sit down, sit down. Happy birthday, Miss. Happy birthday. 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 Happy Are you doctors or actors? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट, कल बड़ी जिम्मेदारी उठानी और आप लोग ऐसी बेहुदा हरकतें करते। गर्ल्स जाओ हाथ में धोलो। किशन तुम कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर और जानकर। सर सर हमारा क्या हालत बनाया ये लोग,
हमारा कितना फैंसी ड्रेस था। सर जेम्स, पहले आपका ड्रेस फैंसी था, अब ये फैंसी ड्रेस हो गया। चलो तुम दोनों मिस्टर जेम्स से माफी मांगो। सर मेरे पास चेंज नहीं है, नहीं तो माफी मांगने के साथ साथ मैं इन्हें सनलाइट साबुन के पैसे भी दे देता। मुरली सॉरी सर। सॉरी मैडम। तुम लोग जा सकते हो। यस सर। लेकिन याद रखना। यस सर। ये तुम दोनों के लिए आखिरी वार्निंग है। यस सर। आइंदा कोई ऐसी हरकत हुई तो मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ेगा। नो चांस सर। लेट्स गो। लेट्स गो। उन लोगों ने हमारा मुकाला किया, हम उनका मुकाला करेंगे। जो रास्ता तुम चुन रही हो उस पर चलने से तुम्हें और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। मधु तुम उनकी क्लास में पढ़ती हो इसलिए उनका साथ दे रही हो। आज अगर हमने उनसे अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो कल मैं भी गुजरे हुए कल के बारे में सोच रही हूँ। तुम क्या समझती हो? आज जो तुम्हारे साथ हुआ मैं नहीं भुगत चुकी हूँ। मुझे भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई थी। गुरु बहुत अच्छा भीड़ जाओ। अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं पूछ सकता हूँ कितना है? क्या किराया? किराया? आप कॉलेज के हॉस्टल में नई नई आई है ना इसलिए। जी हॉस्टल में मैं 150। 150? हाँ। बस बहुत सस्ते में सौदा पट रहा, क्या हम आ सकते हैं? जी वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। सिर्फ लड़कियों के लिए? How sad, I must say it is very sad. अच्छा ये बताइए ये जो 150 है वो दिन के लिए है कि पूरे महीने के लिए? What nonsense, behave yourself. क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हेलो टू लेट का बोर्ड लगाए तुम घूम रही हो और बदतमीज हमें कह रही हो? जरा देखिए टू लेट। दौलत के नशे ने उसे बदतमीज बना दिया है। उसकी शरारतों की वजह से पूरे कॉलेज की लड़कियां परेशान हैं। जब देखो कोई ना कोई नया हंगामा, कोई ना कोई नई शरारत। शांति वो सब स्विमिंग पूल पर है, वो अंदर है और उनके कपड़े बाहर है। गुड आइडिया, हमारा मुंह काला करने वालों को आज हम बिना कपड़े घर भेजेंगे। लेट्स गो। बस आ रही है, लगा दो। जमा के जमा के। फोर हाय हैया हो हैया श्रीमान डंपो के, तुम्हारे डंपो अभी तक लौट कर नहीं आई, ऐसा तो नहीं कि डबल क्रॉस कर गई हो? जिस दिन उसने मुझसे डबल क्रॉस किया ना प्यारे, उस दिन मैं अपनी जिंदगी से डबल क्रॉस कर जाऊंगा। अरे ये हुआ ना इश्क मोहब्बत, तुम सच में डंपो के हो। ओके बॉयज रिमेम्बर तरकीब नंबर 420 रेडी। डम्बो के ये लो 100 रुपए और खिला दे देवियों को आइसक्रीम। अरे जैसे गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है उसी तरह सर्दियों में सर्द आइसक्रीम गर्मी पहुंचाती है। देख कैसे थर थर कांप रही है कन्याओं। क्या बोला? इसका मतलब ये हुआ कि देवी आइसक्रीम नहीं खाना चाहती। अजी उसके लिए भी दिल होना चाहिए, दिल। एक बात तो बताओ डंपो के, ये बुजदिल लड़कियां डॉक्टर कैसे बनेंगी? अजी खाक बनेंगी, हकीम वैद्य जरूर बन सकती है। अगर आप सब इतने ही बहादुर हैं तो लगाइए एक शर्त। अजी अपने सीने में तो स्टेनलेस स्टील का दिल फिट है, आजमा लीजिए हमारी बहादुरी को। ठीक है आज रात को 12 बजे कॉलेज के अस्पताल के मुर्दा घर में कदम रख सकेंगे आप। अजी इसमें क्या बड़ी बात? कॉलेज के अस्पताल के मुर्दा घर में? हाँ, ये 5 चांदी के रुपए हैं और वहाँ 5 मुर्दे हैं। हर एक मुर्दे की हथेली पर 1-1 रुपया रख कराइए, तब हम मानेंगे कि आप काम के बहादुर हैं, सिर्फ नाम के नहीं। मुर्दा घर। अब क्यों बोलती बंद हो गई सबकी? शर्त सुनते बुजदिलों के कर्दने झुके। चलो जी चलते हैं। अजी कहाँ चलते हैं, जरा ठहरी। बुलाया बुलाया है। आज तक हमारी शरण में जो भी आया कुछ दे कर गया है, लाइए 5 रुपए हमें शर्त मंजूर है। ब्रदर अरे क्या कर रहे हो? जाइए जाइए। ब्रदर क्या कर रहे हो? ब्रदर मुर्दा घर में मेरे बस का रोग नहीं। ब्रदर गुरु
जल्दी से क्या हथेली पर रुपया रखो और खिसक चलो। तेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। मरा क्यों जा रहा डंपो के? मैं क्या मरा जा रहा हूँ, मुझे तो इन मुर्दों की जान खतरे में नजर आ रही है। जल्दी Come on, let's go. नहीं, 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 मेरे बस करो नहीं, अरे